अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। आज का जो अपना टॉपिक फॉर डिस्कशन है वो कि सिली मिस्टेक्स जो एग्ज़ाम में होते हैं उनसे कैसे बचें, और 6 मई को क्या करें हम कि एक भी सिली मिस्टेक्स नहीं हो या मिनिमाइज़ कर सकें। तो इनके लिए किसी भाई ने फ़ोन भी किया था अनिल सिंह के नाम से, तो उनके ही रिक्वेस्ट हो ये वीडियो है, ठीक है, सिली मिस्टेक से कैसे बचा जाए। तो आप ध्यान से एक बार जो पॉइंट्स मैं बताऊँ उनको आप अप्लाई कीजिए, जो बचे हुए आपके कोचिंग के या जो भी DLP के जो टेस्ट हैं उन पर अप्लाई कीजिएगा, और उससे देखिएगा कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा आपको। तो देखिए, जो पहला जो इसमें पॉइंट होता है अपना क्या कि हम जब भी क्वेश्चंस करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो कम से कम चारों जो ऑप्शंस दिए हैं उनको, चारों ऑप्शंस को पढ़ें। ऐसा नहीं कि हम एक क्वेश्चन को रीड किए और जो पहला ऑप्शन था उसको ही वो लगा कि हाँ यही आंसर है, टिक कर दिए। क्योंकि नीट में ऐसा होता है बार बार कि आपको दो ऑप्शंस भी सही होते हैं लेकिन उसमें से एक मोस्ट करेक्ट चुनना होता है, और जनरली क्या होता है फर्स्ट जो ए जो रहता है आंसर में वो आपको लेस करेक्ट देगा और जो डी है वो देगा मोस्ट करेक्ट। तो लोग क्या करते हैं वो पहले आंसर क्वेश्चन पढ़े, ए उनको सही लगा, ए टिक करके भर गए, वो डी तक पहुँचे ही नहीं। तो आपको ये गलती नहीं करना, आपको क्या करना है चारों ऑप्शंस रीड करने हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। और ऐसा भी हुआ दोबारा क्वेश्चन में, ऐसा होता है, एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल दूँ आपको, ऐसा भी मिस्टेक्स लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, ठीक है, उसका ए बी सी और डी में जो रहता है बोथ ए एंड बी, ए आंसर भी सही होता है बी आंसर भी सही होता है। अब लोग क्या करते हैं क्वेश्चन पढ़े ए देखे, हम उनको लगा कि ए तो सही है, बस ए टिक करके भर जाते हैं आगे, वो ये देखे ही नहीं कि बी भी सही है और ए एंड बी दोनों से, इसलिए ऑप्शन डी आंसर जाना चाहिए। तो ऐसा आपको नहीं करना है, इससे बचने के लिए क्या करना है आपको चारों ऑप्शंस अच्छे से पढ़ने हैं, क्वेश्चंस के हर क्वेश्चन के चारों ऑप्शन तो चाहिए। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसा होगा मान लीजिए आपको आता भी नहीं हो ना, तो वो आप ऑप्शन से ही आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फिजिक्स में जो नीट 2017 में एक यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन उसमें आप यूनिट बस देख कर ना, यूनिट देख कर जो डाटा दिया था उसका यूनिट देख कर ही आप आंसर निकाल सकते थे चारों ऑप्शन देख कर। तो चारों ऑप्शन देख कर भी काफ़ी समय में अपना आंसर निकल जाता है, तो चारों ऑप्शन को पढ़ना ज़रूरी है। दूसरा क्या है, डोंट ओवर थिंक अबाउट, हाँ किसी क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे मान लीजिए हम कुछ भी कोई चीज़ NCERT से पढ़ के गए, वहाँ पर नीट थोड़ा सा उसको घुमा कर वही क्वेश्चन पूछ रहा है, नीट थोड़ा सा उसको घुमा दिया है। अब हम क्या करते हैं, अब सोचते नहीं NCERT में तो ये दिया था, यहाँ तो थोड़ा घुमा के पूछा गया तो आंसर ज़रूर कुछ ना कुछ अलग होगा। ये भी काफ़ी मिस्टेक्स हुआ, ये काफ़ी लोग, ये हमसे भी ऐसा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, दिमाग तो लगाना ही है सारे क्वेश्चन पर, लेकिन ओवर थिंक नहीं करेगी ऐसा हो सकता है तो ऐसा होता तो ऐसा होता तो आंसर ये आना चाहिए था, तो ऐसा नहीं करना आपको, इससे बचना है आपको, ज़्यादा कोशिश करना है इससे बचने का, ठीक है। तो वही मैं लिख रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन पर ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ज़्यादा नहीं सोचना है कि क्या आंसर होना चाहिए ये वो, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये दूसरा पॉइंट था जिससे कि आप सिली मिस्टेक को रोक सकते हैं। तीसरा क्या है, ये तीसरा इम्पॉर्टेंट है, एक जनरल जो कंसेप्ट बनाया गया है कि भाई जो हार्ड क्वेश्चन है जो टफ क्वेश्चन है उन पर ज़्यादा टाइम दो और जो ईजी क्वेश्चन है उन पर कम टाइम दो, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, ठीक है। आप इससे सहमत भी हो सकते नहीं भी, लेकिन मैं जो अपना व्यू बता रहा हूँ आपको, जो ईजी क्वेश्चन है यानी कि ईजी क्वेश्चन ये सब सही करेंगे, मतलब मान लीजिए मैक्सिमम लोग ये क्वेश्चन सही करेंगे। यदि मान लीजिए आप इजी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप मैक्सिमम लोगों से पीछे जा रहे हैं, बस समझ रहा है, इजी क्वेश्चन आप यदि गलत कर दिए तो आप मैक्सिमम लोगों से पीछे जा रहे हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं कि जो मतलब जो क्वेश्चन सब सही कर रहा है वो यदि आप गलत कर रहे हैं तो सिलेक्शन होने का बहुत कम चांस है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि जो इजी क्वेश्चन है ना उन पर आप ज़्यादा टाइम दीजिए, गिव मोर टाइम टू इजी क्वेश्चन, क्योंकि वो आपके पक्के साथी है, वो आपको नंबर देंगे ही देंगे। जैसे कोई मान लीजिए आपका दो दोस्त है, एक दोस्त आपका पक्का दोस्त है, एक दोस्त है कि हाँ ठीक काम चलने लायक है, तो आप क्या करते हैं ज़्यादा टाइम किसके साथ वेस्ट स्पेंड करते हैं, अच्छे दोस्त के साथ, अच्छे दोस्त के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिएगा। उसी तरह क्वेश्चन में क्या है, इजी क्वेश्चन है टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है क्या आपका अच्छा वाला दोस्त है, ये उतना अच्छा वाला दोस्त नहीं है, तो आप ज़्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड कीजिए इजी क्वेश्चन के साथ, ताकि ये तो कम से कम सही हो पाए। क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं टफ़ क्वेश्चन के टाइम बचाने के चक्कर में इजी क्वेश्चन जो होते हैं उनको जल्दी जल्दी करते हैं, फास्टली करते हैं और उसमें काफ़ी मिस्टेक्स कर देते हैं जो कि सिली मिस्टेक के अंदर काउंट होता है। तो आपको ये नहीं करना है, जो आसान से क्वेश्चन है जो फॉर्मूला बेस्ड है उन पर आपको अच्छे से देखिए ऐसा भी नहीं कि आप 5-1 घंटे तक आप एक ही क्वेश्चन बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना, लेकिन पूरा पेशेंस के साथ करना है, पूरा पेशेंस के साथ पूरा सब कुछ देखते हुए करना है। ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन आता है अरे तो बहुत आसान ही तुम सही होगा तुरंत तुरंत बना देते, ये गलती नहीं करना, क्योंकि ऐसा ये गलती सबसे मेजोरिटी वाली गलती है। सब पूरे पॉइंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है मेरा, ठीक है, इजी क्वेश्चंस पर आपको टाइम देना है। फिर क्या है, एग्ज़ाम तो एक पहला तो फ्रेशली देने जाइए, नहा धोकर जो थोड़ा फ्रेश होकर जाइए, ऐसा नहीं कि रात में सोए नहीं है
अब चले गए उठ के, पूरा सर भी दर्द कर रहा है, हमसे क्वेश्चन बन रहा है, उसमें काफ़ी सिली मिस्टेक्स होते हैं। यदि फ्रेश माइंड रहेगा आपका तो आप पक्का अच्छा स्कोर कीजिएगा, ये गारंटीड है और ये साइंटिफिक भी है। तो फ्रेश माइंड होकर जाइए, अच्छे से सो कर जाइए, नींद तो लेना ही है, तो उससे भी सिली मिस्टेक्स कम होंगे आपके। क्योंकि जब माइंड फ्रेश नहीं होता पूरा ओवर लोड रहता है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से, काफ़ी लोग को देखेंगे आप कि सेंटर पर भी, सेंटर पर बाहर बैठ के भी किताब पढ़ते रहते हैं। तो इस सबसे बचना है आपको, क्योंकि जितना एग्ज़ाम से पहले, सेंटर पर जाने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले आप जितना चीज़ पढ़िएगा आपका जो न्यूरॉन्स वो ज़्यादा वर्क करेगा तो फिर आपका जो, आप जानते हैं कि भाई न्यूरॉन्स एक कैपेसिटी ज़्यादा वर्क नहीं करता, वो भी थकेगा तो माइंड आपका थकने लगेगा, तो उस थके हुए माइंड से आप एग्ज़ाम देना आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए पूरा फ्रेश होकर जाएँ आप और पूरा नींद लेकर जाएँ, और एग्ज़ाम से पहले सेंटर पर जाने के पहले इसे पढ़ी वढ़ी नहीं, सुबह में फ्रेश होकर जाइए एकदम मस्त। फिर क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन इन टाइम लिमिट। हाँ, यदि आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो उसे भी टाइम लिमिट में कीजिए। मतलब एक पेपर कर रहे हैं, मान लीजिए 2012 का कर रहे हैं, तो 2012 का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके 3 घंटे रखिए घड़ी में, और 3 घंटे तक ही कीजिए। उससे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन छूट भी रहा है तो उसको बाद में कीजिएगा, पर 3 घंटे में कीजिए, फिर उसको एनालाइज कीजिए कितना मार्क्स आ रहा है आपका, फिर छूटे हुए क्वेश्चन को आप बाद में करेंगे। समझ में आ रहा बात, इस बात का ध्यान रखें आप। ठीक है, डू क्वेश्चन बाय अंडरलाइनिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये पॉइंट जब मैं डिस्कस कर रहा था शिवाशीष के साथ, आपने वीडियो देखा भी हो शिवाशीष का नीट रैंक 372, तो उन्होंने डिस्कशन में ये बात बताया कि ये बात जरूर बताने के लिए स्टूडेंट्स को कि अंडरलाइनिंग वाला, कि जब भी जो क्वेश्चंस करें आप अंडरलाइन करके करें। और एक खासा बात, जैसे मान लीजिए उसमें पूछा गया है, जैसे दो चीज़ें, एक चीज़ बताते हैं, यदि मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा गया टाइम पीरियड, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया टाइम पीरियड एसएम के क्वेश्चन में, तो आप क्या कीजिए, जो पूछा गया उसको अच्छे से घेरिए ऐसे करके। ठीक है, क्यों घेरिए मैं बताता हूँ, क्योंकि जैसे मान लीजिए कैलकुलेशन करते हैं, यदि मान लीजिए आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल दिए, आंसर आ गया 5 हर्ट्ज़, जो पहला ऑप्शन होगा ना क्वेश्चन का वो 5 हर्ट्ज़ ही होगा। क्वेश्चन में पूछा टाइम पीरियड, आपने पूरा क्वेश्चन सही सॉल्व किया, आपको फ्रीक्वेंसी का क्या करना है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है, इन्वर्स का रिलेशन होता है, तो आपको बस इस 5 को इन्वर्स करना था, उल्टा करना था, लेकिन आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया पूरा लंबा क्वेश्चन था सॉल्व किया, आपका आंसर आया 5, आप क्या किए, पहला ऑप्शन था 5, टिक करके बढ़ गए। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं था और ध्यान से घेरा नहीं था। यदि आपका ऐसा घेरा हुआ रहे तो आपका जन डायरेक्ट नजर आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, भाई यहाँ तो टाइम पीरियड पूछा है हमसे, तो हमको फ्रीक्वेंसी तो नहीं डालना है, तो फ्रीक्वेंसी का रिवर्स करके मुझे टाइम पीरियड यूज करना पड़ेगा। ये खासियत है किसका, क्वेश्चन को अंडरलाइन करके करने का और इन सर्किल करके करने का। तो देखिए जो 3 पॉइंट इसमें सब जस्ट था, क्या गिव मोर टाइम टू इजी क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, डू क्वेश्चन बाय अंडरलाइनिंग ये इंपॉर्टेंट है, और इन सर्किल द थिंग्स आस्क्ड ये इंपॉर्टेंट है। और इसका देखिए मैं तीनों का आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया है क्यों ये ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि मैं आपको थ्योरिटिकली बोल रहा हूँ कि ये फॉलो करो, इसका भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया मैं, अंडरलाइनिंग करने का भी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, और जो इन सर्किल करने का भी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया। तो गलती से आप बच सकते हैं यदि आप ऐसा करते हैं, तो इन तीनों पॉइंट को ध्यान रखना तो आप अपने सिली मिस्टेक्स को रोक सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट, कॉन्फिडेंट रहिए, जरूर आपका सिलेक्शन होगा।